सीसमो विधानसभा का ये ग्वालटोली का इलाका है और हम इस समय मौजूद है अहिराना चौराहे पे, जहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बीते 4.5 साल का वक्त, लगभग 5 साल का वक्त कैसा बीता, कितना विकास हुआ और आने वाले चुनाव में क्या है पब्लिक का मूड। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार यादव। निवास कहाँ है? मेरा बगल में निवास है। अच्छा, कैसे रहे 4.5 साल? अभी 4.5 साल विधायक को चुना था, कैसा काम किया, क्या पूरा रिपोर्ट करना है? विधायक ने तो सीसामो विधानसभा से, विधायक सपा विधायक है इरफान सोलंकी, और पिछले 3 साल से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। लेकिन अभी कुछ जो इधर मौजूदा 4 साल में अहिराने के काफ़ी अच्छे दिन आ गए, जैसा बोला गया था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए हैं। जो अहिराने का हमारा जो मेन बस्ती है, जो इतनी घनी बस्ती, जो बहुत पुरानी मतलब गांव टाइप में पहले रहा करती थी, उसमें एक नाला डाला गया है, एक लाइन डाली गई, सीवर लाइन, जो एक अच्छी खासी सड़क को खोद कर डाली गई है। मेरे ख्याल से शायद इसको बोला गया था कि सीवर लाइन को कहीं डाइवर्ट करेंगे, लेकिन उसको डाइवर्ट ना करके सेम उसी नाले में आगे जा करके जोड़ दिया गया है। सिर्फ रोड को ख़राब करने का काम किया गया है। और जहाँ तक हम लोगों का वो है कि मतलब इतनी घनी बस्ती में 12 इंची की लाइन में सीवर लाइन चलना संभव नहीं था, तो 12 इंची की लाइन किस औचित्य से डलाई गई, ये तो मेरे लिए समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से यही अच्छे दिन है कि 12 इंची की लाइन से इतना बड़ा अहिराना चलाया जाएगा, जो कि कहीं भी निकलने का सीवर लाइन सब जाम हो जाएगी फिर से। तो इसको फिर से ले जा करके आपने उसी गंदे नाले में क्यों जोड़ दिया, जो सीसा में नाला जिसको टैपिंग करने की बात कही जाती थी, ये नाला ले जा करके सीवर लाइन को ले जा करके उसी नाले में सेम आगे जाकर जोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं आगे जा करके ये जो खुला एक नाला बना था, ये लाइन को ले जा करके उसी नाले में जोड़ दिया। तो मतलब माना जाए खानापुरी एक तरह से। हाँ, बस खानापुरी गया। इतने दिन जनता परेशान हुई और बहुत बड़ी समस्या का आपकी बात, ये क्या कहेंगे आप? परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम मनोज मिश्रा है जी, हम इनके राज्य सहमत हैं। तो इस समस्या से क्या क्या परेशानी आ रही है स्थानीय जनता को? परेशानी तो सब आए दिन यहाँ बनी रहती है, यहाँ पर सफाई अभियान भी नहीं बढ़िया चलता है, इसकी बड़ी समस्या है। और तमाम तरह की समस्या है जो जनता जो है उससे दुखी है, उसके लिए कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, तभी जो है इसके लिए हो सकता है परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सब बात है, माना जाए इस बार चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं, है ना? तो ये इतनी बड़ी समस्या रही, कभी विधायक जो थे, मौजूदा विधायक जो है, वो कभी आए यहाँ देखने, पूछा जनता का हाल? विधायक जी आते हैं, उनको जो अपने हिसाब से होता है वो करते हैं। बाकी ये क्या किया? काफ़ी काम किया उन्होंने, जैसे नाले वगैरह काम, ये सब काम वो करवाते हैं अपने स्तर से, लेकिन सफाई वगैरह काम जो है वो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं, अगर नाले का काम कराते हैं तो समस्या तो जस की तस है। नहीं, नाले का काम माने आजी इरफान सोलंकी द्वारा नहीं हुआ है, जो सीवर लाइन का काम है, ये सीवर लाइन का काम जो जैसा बताया गया है कि नमामि गंगे द्वारा कराया गया है, मतलब हम विधायक स्तर पर पिछली बार भी सड़क बनी थी, अच्छी खासी सड़क थी, कोई भी गड्ढा नहीं था, सड़क अच्छी थी, और इसको खोदा गया है सिर्फ नमामि गंगे के नाम पर, लेकिन अभी तक कुछ भी बनाया नहीं गया है। विधायक जी कह रहा है तो विधायक जी का मतलब कि भाई नमामि गंगे से बनी है, खोदा गया है, तो नमामि गंगे के द्वारा ये विधायक के काम से संतुष्ट है। हाँ, विधायक के काम से संतुष्ट है, क्योंकि विधायक जी से हम लोग जो भी कहते हैं, हर गर्मी में 8-10 हैंड पाइप देते हैं, यहाँ लगते हैं। और आप बताओ चाहते हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, सफाई भाई होती है? तो एक तो नाले की सड़क 1.5 महीने से टूटी, जिससे सारे व्यक्तियों को जो दिक्कत है। साफ सफाई की बात की जाए तो यहाँ पर साफ सफाई तो बहुत कम होती है, साफ सफाई नहीं होती। लाइटें देख लीजिए, सफाई की व्यवस्था ही है, गंदगी मतलब बहुत ज़्यादा रहती है, गंदगी तो यहाँ है ही। अच्छा, लाइट वाइट की क्या व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था जो कंपनी है EESL, उनकी वर्किंग ठीक है, और बाकी पार्षद से कहो तो मंदिर की लाइट अभी परसों हमने जलवाई है, EESL कंपनी। विधायक कभी यहाँ आए, आप लोगों की समस्या पूछी? क्षेत्रीय विधायक आए होंगे, ऐसे यदा कदा आ जाते हैं, कुछ खास कोई विशेष नहीं। तो इस बार चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या सोचा है? चुनाव के विचार की अगर बात की जाए तो सबके अपने अलग अलग। आपकी क्या राय? हमारी राय तो हम तो रिपीट करेंगे, इरफान सोलंकी नहीं, सरकार के लिए रिपीट करेंगे। विधायक कौन से चुनेंगे? विधायक जो आएगा, अभी तो कोई प्रत्याशी सबके घोषित हुए नहीं, जब घोषित होंगे प्रत्याशी की पहले आपराधिक पृष्ठभूमि देखेंगे, उसकी धन संपत्ति का आकलन सभी लोग करेंगे। ये जो विधायक है इनको रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे? इनको हमने पिछली बार भी नहीं दिया था, इस बार देखा जाएगा, इस बार बदल सकते हैं, मतलब इस बार गोल मोल बात करेंगे, मतलब है गोल मोल बात नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बताएंगे, नहीं वहाँ बोर्ड पे किसी की चोट नहीं ना। चले चले, एक इनसे
चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मंजी। चुनाव आ रहा है, विधायक आएंगे, दावे और वादों की झोली लेकर आएंगे आपके सामने, किस पे भरोसा करेंगे? क्या ये मौजूदा विधायक या बदलेंगे? देखिए जनता सब विश्वास होती है जी, जो काम कर रहा है उसी को जो है वोट देगा आदमी। महंगाई से आदमी इनसे उग गया। बात महंगाई केंद्र की बात हो गई, बात अगर विधायक के स्तर पे की जाए तो विधायक कभी यहाँ आपका हाल जानने आते हैं? विधायक तो बराबर यहाँ आते ही नहीं है, कभी नहीं आते, कभी सकल एक बार जो झंडारोहण हो जाता है आ जाएंगे, नहीं तो कोई बस। तो आप कैसा विधायक चाहते हैं, जो यहाँ आए या जो यहाँ ना आए? कोई जो काम करावे क्षेत्र के बस, और क्या। तो माना जाए इसका बदलाव चाहते हैं? बदलाव हो जाए तो और बढ़िया है, बदलाव हो जाए, बदलाव से जो काम करे वही बढ़िया है। हम लोग इन्होंने काम किया ऐसे संतुष्ट है? क्या काम, कोई काम, कोई काम, क्या काम? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी, विधायक का चुनाव होने वाला है, 2022 चुनाव आ रहा है, आपको विधायक का चुनाव करना है, किसको चुने? विधायक जो कार वाले कार करने वाला होगा वो विधायक को वोट दिया जाएगा, उसको सपोर्ट दिया जाएगा, तो हम अपने तन मन से उसकी सेवा करेंगे वोटिंग में भी। लेकिन समस्या तो ये है यहाँ पे, आप थोड़ा चल के देख लीजिए, अंग्रेजों के ब्रिटिश पीरियड का बना कुशल खाना है, उसमें इतना कूड़ा पड़ रहा जिसमें आदमी हजारों आदमी डेली स्नान करता था, उसको रुकवा के काम उसको पूरा घर बना दिया गया है, गंदगी इतनी ज्यादा है वहाँ पे। तो विधायक कभी देखने आए उसको? नहीं, कोई नहीं आता देखने, ये विधायक का काम नहीं, कहते हैं कि मतलब पार्षद जी का काम है, पार्षद जी ने काम रुकवा दिया, पार्षद जी ने कभी उधर निगाह उठा नहीं देखा, देखो बनाई नहीं है, कोई नहीं आता। नहीं, बात अगर विधायक की जाए तो विधायक के काम से कितना संतुष्ट है? सड़क की पोजीशन जो है आप देख ही रहे हैं जी। नहीं, विधायक जी हमारे जो है आए, झंडा रोहण हुआ या कोई प्रोग्राम हुआ, किसी ने बुलाया तो आ गए, लेकिन क्षेत्र की जनता की समस्या नहीं सुनते। उनसे भी कहा गया था गुजर खाने के लिए, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, और जिसमें डेली कम से कम 500 आदमी तो स्नान करता था ये बगली में बना हुआ। तो इस गलती की सजा उनको इस बार देंगे चुनाव में आप? अरे बिल्कुल, कि वो तो हम तो जो आए वोट मांगने उसको सबको क्षेत्र की समस्या बताएंगे। एक्चुअली क्या है, जिस गुसल खाने की बात हो रही है वो गुसल खाने का काम आधा अधूरा काम एक मतलब कोई ठेका हुआ था, जैसा मुझे नगर निगम द्वारा जानकारी हुई थी कि किसी गुप्ता ठेकेदार को उसको बनाने का ठेका दिया गया था, उसमें टाइल्स लगे, आधी आधी दीवारों तक टाइल्स लगे, कुछ पाइप की प्लास्टिक की टोटियां लगाई गई, इसके बाद शायद उसका काम पास नहीं हुआ या क्या हुआ, उस काम को रोक दिया गया। रोकने का मेन रीज़न क्या रहा है वो पार्षद जी जानते हैं, क्योंकि हमारी जो जानकारी में है कि पार्षद जी द्वारा वो काम रोका गया और उस काम को आगे नहीं बढ़ाया गया, वो काम आगे नहीं बढ़ा, तो जैसा आधा काम था उसमें फिर उसके बाद में विधायक में गोबर विधायक से ज्यादा गलती क्षेत्रीय पार्षद की है यहाँ पे, विधायक से ज्यादा सबसे ज्यादा गलती काम को रोकने का मेन रीजन उन्हीं का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद जी, 2022 चुनाव आ रहा है, आपको विधायक का चुनाव करना है, कितना संतुष्ट है मौजूदा विधायक से और क्या डिसीजन होगा आने वाले चुनाव में? अभी तो किसी के तो संतुष्ट नहीं, जब ये रोजी रोड खुदी रहती है तो संतुष्टि किससे होगी? और क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? समस्याएं तो बहुत है क्षेत्र में, तमाम समस्याएं हैं, फीवर की समस्या और नाले की समस्या, सड़क की समस्या, बहुत समस्याएं। नहीं नहीं, 4.5 साल पहले आपने जिस विधायक को वोट देते चुना था, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे? मैं विधायक जी तो आते रहते हैं, विधायक जी आते रहते हैं, देखते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, मगर विकास नहीं कर पाता, विकास उसमें हो पाता, जल्दी बन नहीं पाता। नहीं, तो ऐसे आने का क्या मतलब कि विकास नहीं हो पाता? तो क्या माना जाए इस बार चुनाव में क्या निर्णय होगा? इस बार चुनाव बदलाव चाहेंगे इसका? हाँ, बदलाव भी हो सकता है, वो भी जीत सकते हैं, ऐसा नहीं जीत नहीं सकते हैं, बदलाव भी हो सकता है, ये तो जनता के रुझान के ऊपर है। चलिए, क्या नाम है आपका? मैं तो शर्मा एडवोकेट हूँ। हाँ, क्या वकील साहब, क्या क्या लग रहा है 2022 चुनाव आ रहा है? देखिए, 2022 का जो चुनाव आ रहा है और क्षेत्रीय समस्याएं इतनी हैं कि अब यहाँ पर तो दो पक्ष के लोग रहते हैं, तो कोई किसको चाहता है, कोई किसको चाहता है, तो हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का जो भी पदाधिकारी है, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, जीतने के बाद आते तो हैं मिलने, लेकिन आप ये देखिए, कभी हमने तो अपनी उम्र में इस सड़क को केवल एक बार बनते देखा है, लेकिन दोबारा अभी तक जब से खुदी है तब से दोबारा बनी नहीं है, और जो कि अब देखिए चुन्नीगंज चौराहा बंद होने वाला है पूरी तरह से मेट्रो की वजह से, अब ये रास्ता चलेगा, अब इतने समस्याएं हैं इस रोड पे कि जिसके लिए कोई समाधान करने अभी तक ना कोई विधायक है ना सांसद है, इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर जनता भी त्राई त्राई मचाने से पीछे हट रही है, त्राई त्राई कर रही है लेकिन सामने नहीं कह पा रही है, बस ये है कि हमारे पदाधिकारी आ गए हैं क्षेत्र के विधायक सांसद, जिसकी वजह से
बस कुछ नहीं, बस हो अल्लाह होता है। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? अब बदलाव हो क्या, देखिए क्षेत्र इस क्षेत्र में देखिए यहाँ पर सपा के विधायक इरफान सोलकी हैं और सांसद सत्यदेव पचौरी हैं, वो बीजेपी के हैं, तो अहदा दोनों का बड़ा है। ना बीजेपी के कभी ढांकने आए ना सपा के आए कि समस्या क्या है। अगर समस्या को सुनने के लिए अगर समाज में चार लोग खड़े होकर कहें तो आगे कुछ काम हो, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान होता नहीं है। अब ये है कि बदलाव क्या चाहिए, कि क्योंकि बदलाव में अब अकेले तो हम हैं नहीं, वोट डालने वाले वोट डालने आप अपने अकेले की बात बताइए। अब हम अकेले अगर देखते हैं तो भाई समाज में जो काम करने वाला व्यक्ति है उसी को जिताया जाए, मतलब विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।